सो हेलो गाइस, आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं, चाहे 5 जून हो चाहे 7 जून हो, ठीक है। दोनों दोनों शिप की बात कर रहे हैं, मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि कितना जो है सेफ स्कोर्स, कितना सेफ अटेम्प्ट रहेगा, कितना बच्चों ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सब कुछ पालेंगे। कि सब्जेक्ट के बारे में, चाहे रीजनिंग हो चाहे GS टेक्निकल, सभी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। कितना कितना जो है उसमें आप लोग का जो है कट ऑफ कितना जाएगा, सेफ स्कोर क्या, सब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले बात करें तो रीजनिंग की, रीजनिंग हर चाहे किसी भी ब्रांच की बात करो, चाहे सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल किसी भी शिफ्ट की बात करो, चाहे शिफ्ट की बात करो चाहे ब्रांच की बात करो, सब में सेम आया था, मतलब वही ऑन एन एवरेज। अगर जिसने बढ़िया से तैयारी किया होगा, प्रैक्टिस वगैरह किया होगा, तो 40 से 45 बना होगा। जिसने एवरेज किया होगा उसका 30 से 35 या 35 से 40 तक बना होगा। लेकिन अच्छे से किया होगा जिसने भी 40 45 प्लस भी कर लिया होगा। और GS की बात करें तो GS भी थोड़ा ईजी था, लेकिन इतना भी ईजी नहीं था, मतलब ईजी टू मॉडरेट था, मतलब 20 से 25 भी कर सकते थे आप इजली, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे। बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा था साइंस में, और स्टैटिक वगैरह का था, करंट अफेयर था 10 से 12 नंबर का, तो उन्होंने एवरेज ठीक ठाक था। जिसने तैयारी की ढंग से तो उसने किया होगा। और टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में आपका किसी ने भी ज़्यादा नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाया टेक्निकल में, तो 60 से 65 70 तक ही रहे।